जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। बिहार में नियोजित शिक्षकों पर सरकार द्वारा कई तरह के शर्तें रखी गई है, जिसका सभी नियोजित शिक्षक विरोध जता रहे हैं। आपको बताते चले कि जातिगत जनगणना आज से पूरे बिहार में दूसरा चरण शुरुआत किया गया है, जो शिक्षकों के भरोसे ही है। लेकिन मुजफ्फरपुर में शिक्षकों ने इस जातिगत जनगणना कार्य का बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों का डिमांड है कि सरकार जो हम लोगों के साथ काम करा रही है, उससे नियोजित शिक्षक रोड पर आ जाएंगे। इसलिए सभी शिक्षक जातिगत जनगणना का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड क्षेत्र का है, जहां नियोजित शिक्षकों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी भवन के सामने प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को होश में आने की बात कही गई और शिक्षकों ने एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा गया है। और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, वही देख सकते हैं, दर्जनों शिक्षक जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और आई के यह तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज से जो है जातिगत जनगणना की शुरुआत करनी थी, मगर औराई प्रखंड में जो है आज जो है बड़ा फैसला जो है शिक्षकों के द्वारा लिया गया है। और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं। अभी जो सरकार नियमावली जो बनाई है जी, वह नियोजित शिक्षकों को रोड पर लाया गया है जी, जिस कारण से हम लोग नाराज हैं। अच्छा, अब ये जनगणना कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारे शिक्षक जनगणना को आज से जी जी माने बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सरकार जो आप लोगों के लिए नियमावली लगाई है उससे आप लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, संतुष्ट कारण है, एक कुर्सी पर 60,000, एक कुर्सी पर 30,000 जी। इसी कारण से शिक्षक को एक समान देखे सरकार, सरकार ही ना हम लोगों को बहाली किया है जी जी, बहाल तो सरकार ही किया है जी। तो फिर दो दो मत में कैसे डिपुट कर रहे हैं। अच्छा सर, तो आप लोग का तो सरकार कर रही है कि वेतन भत्ता भी हम लोग बढ़ाए हैं, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है? वेतन भत्ता क्या बढ़ाए हैं तो मुझे जो अधिक किए हैं, वेतन भत्ता हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा चाहिए, वेतन भत्ता नहीं चाहिए। अच्छा, राजकर्मी का, राजकर्मी का दर्जा सरकार दे, भत्ता से क्या होगा, भत्ता तो। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ ज्ञापन सौंपे हैं? अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी। अच्छा, और जनगणना इंचार्ज वही है। अच्छा, क्या परिचय हुआ सर आपका? रवि कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के।